नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर के इस खास कार्यक्रम, बेहद खास कार्यक्रम में, जिसमें आज जो आंकड़े आ रहे हैं, आज जो बातें सामने आ रही है, और ये बातें नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा, द न्यूज लॉन्चर नहीं कह रहा, बल्कि ऐसी बात नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है जो नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ाने वाली है। और इसको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या वाकई हम इसी समाज में रह रहे हैं। और इसके बाद क्या राजनीतिक पार्टियां मुख्यमंत्री बदल देंगी, यूपी बिहार की सत्तासीन पार्टियां, या जनता सरकार बदल देगी? इतनी बड़ी सच्चाई आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने कैसे बता दी? कि पूरी बात को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरा मामला क्या है जिससे नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ की सरकार की नींद उड़ गई है, और ये नींद नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा दिए गए जवाब ने, सरकार के आंकड़ों ने उड़ा दी है। बात दरअसल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने राज्यसभा में एक सवाल पूछा कि आखिर बिहार से रोजी रोजगार की तलाश में कितने लोग पलायन करते हैं। आप जानते हैं कि भारत सरकार का एक ई श्रम पोर्टल है जिस पर लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि जिन्हें रोजी रोजगार चाहिए। तो जिन लोगों का आंकड़ा, यानी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो पूरे देश का वैसे लोगों का आंकड़ा, एक्चुअल आंकड़ा तो उससे कहीं बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जितने भर के आंकड़े जितने भर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो आंकड़ा दिया गया, तो पूरे देश में तकरीबन 30 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में अपने राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं या दूसरे देश भी जाते हैं। बिहार से ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 3 करोड़ और उत्तर प्रदेश से ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 10 करोड़ है। ध्यान रखिए, तकरीबन 7.5 साल से योगी आदित्यनाथ सत्ता में है, 19 साल से बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में है, लेकिन रोजी रोजगार की स्थिति यह है कि भारत सरकार ने जो आंकड़ा दिया है, लगभग आधे लोग, 30 करोड़ में 13 करोड़, 29 करोड़ में 13 करोड़ लोग इन्हीं दो राज्यों के हैं। और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात। ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। आप लोग तो जन्मे करते हैं कितना विकास किए हैं, और मई जून में शिमला बना देने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। उत्तर प्रदेश योगी मॉडल की बात को लेकर पूरे देश में पीठ थपथपाई जाती है, लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बाद एक स्याह हकीकत ये सामने आ रही है कि बिहार जैसे राज्य में मजदूरों को प्रति माह 10,000 रुपए भी नहीं मिलते। 90% मजदूरों की स्थिति है। 3 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं जो श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, हकीकत में तो 4-5 करोड़ होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। कितने लोगों को पता है कि इसके लिए श्रम पोर्टल है? ऋषि जी बेहतर जानते हैं। क्या इसके बाद ऋषि मिश्रा जी, ये नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों को देखने के बाद न सिर्फ नीतीश कुमार सरकार की और योगी सरकार की, बल्कि हमारी आपकी नींद उड़ गई है कि भाई हम किस समाज में रह रहे हैं जहां राज्य सरकार मिनिमम रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है? क्या लगता है, सत्ता में रहने का नैतिक हक इन दोनों राज्यों की सरकारों को है? देखिए, हकीकत तो यही है, और पार्लियामेंट में कोई यदि सांसद किसी विषय को लेकर यदि सवाल करते हैं तो झूठे आंकड़े आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आप चुनावी चुनावी रैली को संबोधित कर नहीं रहे हैं। ये हकीकत कुछ और है, और कह देंगे कुछ और। पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड जो आप कहेंगे, वो जो फैक्ट्स है उसको कहेंगे। और राज्यसभा में जो संजय यादव ने जो सवाल किया, खासकर देश के उन राज्यों का आंकड़ा उन्होंने मांगा कि हिंदुस्तान में कितनी ये संख्या कितनी है जो अपने राज्य, अपने घर, अपने जिला को छोड़कर रोजगार के लिए, काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। अभिषेक जी, जो सरकार, केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा रखी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, और खासकर इन दो राज्यों का। यदि आप ये पूरे डाटा को एनालिसिस करें तो 30 करीब 29 करोड़ समथिंग है, उसमें से 13 करोड़ समथिंग जो है इन दो राज्यों से। 50% उत्तर प्रदेश और बिहार से जो पलायन करने की जो संख्या है, जो टोटल देश का जो आंकड़ा है उसका लगभग 50%। तो सवाल तो हमारे जो सियासतदान है, जो हमारे रहनुमा है, जो अपने आप को
बिहार के 12-13 करोड़ जनता का रहनुमा मानते हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो अपने आप को रहनुमा मानते हैं बुलडोजर बाबा का एक जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर बाबा कहलाना पसंद करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री सुशासन बाबू कहलाना पसंद करते हैं, विकास पुरुष कहलाना पसंद करते हैं, उन दो राज्यों की हकीकत क्या है? खुद केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने पोल खोल के रख दी है और हकीकत है। आप मोतिहारी से हैं, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ कई आप तमाम बिहार के उन जिलों का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, क्या मोतिहारी में कोई ऐसा बड़ा इंडस्ट्री है, क्या उद्योग कल कारखाने हैं जहां मोतिहारी के पढ़े लिखे युवा वहां रोजगार की तलाश में अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां की जमीन तक दूसरे को दी जा रही है, चीनी मिल तक की जमीन तक दूसरों को बेच दी जा रही है, ये स्थिति है। हमारे मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देखिए बेला इंडस्ट्रियल एरिया का जिस प्रकार से ग्रोथ होना चाहिए वो ना के बराबर है, और कैसे कोई उद्योगपति या कोई आदमी यहाँ पे उद्योग लगाना चाहे? आपने देखा नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही दरभंगा में दो बड़े प्रोजेक्ट इंजीनियरों की हत्या कर दी गई थी, AK-47 से हत्या कर दी गई थी, तो कैसे कोई आदमी आपके यहाँ काम करेगा? और सवाल सिद्ध किए जो नीतीश कुमार जो एक डेवलपमेंट का जो रोड मैप पेश करते हैं, और इसके लिए मैं सिर्फ नीतीश कुमार को कसूरवार नहीं मानता हूं, लालू राबड़ी का कार्यकाल में क्या हुआ, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। ऋषि जी एक बात मैं आपको बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लालू राबड़ी की सरकार को चूंकि अब 19 साल गए हुए हो गए, हम उनको दोष नहीं दे सकते, 19 साल में तो एक नया देश जो है गरीब राष्ट्र से कम विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाता है, अगर काम होता ढंग से। सवाल ये है ऋषि जी, हमारे सवाल को समझिए, हमारा सवाल किसी नेता किसी व्यक्ति पर नहीं है बल्कि एक सिस्टम पर है। सीधे सीधे हमारे दर्शकों को बताइए, नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, 5 किलो राशन लो, बीच बीच में किसान सम्मान निधि और किसी दूसरे में 500-2000 रुपया लो और बैठ करके जय श्री राम करते रहो, हिंदू मुसलमान करते रहो। उसके बाद आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार क्या करते हैं, दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा सवर्ण आयोग पिछड़ा आयोग दलित आयोग महादलित आयोग जाति गणना सारी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल ये है, उधर बुलडोजर बाबा सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आज कहा है कि इसके लिए एक विस्तृत गाइडलाइन आएगी कि बुलडोजर कहां चलेगा, सुनवाई सितंबर में ही होने वाली है, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर एक्शन लेना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है, कौन सा मॉडल आप बेच रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप बिहार के लोग, उन दलितों महादलितों अति पिछड़ों के लिए आपने क्या किया उत्तर प्रदेश में, हिंदू करके कौन सा मॉडल है कि लोग पलायन कर रहे हैं? आखिर क्यों 25 करोड़ की आबादी यूपी की है, 10 करोड़ लोग तो कागज पर पलायन कर रहे हैं, तो क्या यूपी में 15 करोड़ लोग, बिहार में 3 करोड़ लोग तो कागज पर पलायन कर रहे हैं, हकीकत में 5 करोड़ होंगे। अब देखिए इन सरकारों ने आखिर किया क्या, हम ये रोना नहीं रो सकते अब कि 2005 के पहले क्या था, 20 साल में क्या सड़क और बिजली यही दुरुस्त किया है नीतीश कुमार की सरकार ने कि सड़क बना दो बिजली बना दो दारू बंद कर दो? अभिषेक जी आपसे मैं मतांतर आपसे मैं थोड़ा इस विषय को लेकर थोड़ा मतांतर रखता हूँ। देखिए जिन लोगों को जिम्मेवारी मिला, चाहे वो 20 साल पहले मिला या 30 साल पहले मिला, उन्होंने क्या किया राज्य के लिए, तो उनको आप कटघरे से बाहर नहीं रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है कि 20 साल का कार्यकाल कम नहीं होता, 19 साल का कार्यकाल कम नहीं होता है, और नीतीश कुमार जो ये सपना दिखाते हैं कि बिजली बिजली हमने गांव गांव पहुंचा दिया, सड़क गांव से हमने शहर को सड़क से जोड़ दिया, तो ये सिर्फ पैमाना, ये डेवलपमेंट का सिर्फ ये 2 पैमाना नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा पैमाना क्या है, रोजगार का है, जॉब का है। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? ठीक है इन दिनों कुछ सरकारी नौकरियां नीतीश कुमार ने दी है, लेकिन रोजगार स्वरोजगार रोजगार को लेकर आपने क्या किया, कितने 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 उद्योग कल कारखाने लगाए आप? नीतीश कुमार से मेरा सवाल है, क्या उनके उनके पास कोई रिकॉर्ड है, उनके विभाग के पास कोई रिकॉर्ड है सरकार के पास कि अपने 20 साल के कार्यकाल में कितने उन्होंने इंडस्ट्री लगवाए बिहार में? क्यों हमारे जो युवा हैं
मजबूर हैं प्लान करने के लिए, पढ़े लिखे युवा। और ये जो आंकड़े हैं अफसेर की, ये रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, जो हमारे जो कम पढ़े लिखे जो श्रमवीर भाई हैं जो पलायन करते होंगे तो क्या वो रजिस्टर्ड करवाते होंगे? ये आंकड़ा जो 3 करोड़ का आंकड़ा बिहार का है और 10 करोड़ का आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है, वो आंकड़ा मुझे लगता है इससे दुगुना हो सकता है जी। आप बताइए ना गांव में, आप देख लीजिए ना। आप एक काम कीजिए, यदि कभी भी बिहार आने का मौका मिले तो किसी भी रेलवे स्टेशन पर एक दिन जाके आप इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि कोई भी ट्रेन बिहार से दिल्ली की ओर जा रहा है, कोई भी ट्रेन बिहार से मुंबई की तरफ जा रहा है या बिहार से बाहर जा रहा है, वहां देखिए श्रमवीर भाइयों की कितनी भीड़ होती है और किस अवस्था में और किस व्यवस्था में वो जाते हैं। ऐसे जाते हैं जैसे जैसे पशुओं को। जी बीच में आप बोल ही नहीं देते हैं। चीज नहीं, मैं महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं सूरत गया था। सूरत शहर की आबादी 60-70 लाख है और मुझे लगता है कि कम से कम 20 लाख वहां बिहारी हो। एक शहर की बात कर रहा हूँ मैं, इस देश के किसी राज्य की बात नहीं कर रहा। आप पुणे की स्थिति देखिए, बैंगलोर की स्थिति देखिए, नोएडा गुड़गांव की स्थिति देखिए, दिल्ली की देखिए, हरियाणा की देखिए, जलंधर अमृतसर की देखिए, तमिलनाडु के तिरुपुर को देखिए, आप कहीं भी जाकर के देखिए बिहार के और पूर्वांचल के लोग। आप चले जाइए गोरखपुर बस्ती से शुरू कीजिए और चले जाइए कटिहार तक, चले जाइए आपको भागलपुर तक, गांव में आपको जवान लड़के देखने को नहीं मिलेंगे, ना तो पढ़े लिखे घरों में और ना ही मजदूर वर्ग के लोग, क्योंकि कोई पढ़ने के लिए पलायन किया तो कोई काम के लिए पलायन किया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आंकड़ा दोगुना है। सवाल रोजगार का ही नहीं है। आपको मैंने CDR का आंकड़े हम लोगों ने एक दिन चर्चा की थी, जिसमें आपने कहा था कि बिहार के वित्त मंत्री को तो पता भी नहीं होगा CDR क्या होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। जितना राज्य के बैंकों में राज्य के लोग दे रहे हैं उसका आधा पैसा भी लोन नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना दे रहे हैं उसका 95%, 100%, 105% दक्षिण के राज्यों में लोन मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या ये एजेंडे में नहीं है? क्या बुलडोजर चलाना और जाति गिनना और जय श्री राम करवाना, हिंदू मुसलमान करना, यही एजेंडे में है? देखिए, आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक नैरेटिव गढ़ना और उसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ देना और किसी एक धर्म से जोड़ देना एक अलग बात है। मैं सवाल करता हूँ योगी आदित्यनाथ से कि बुलडोजर उनको तभी दिखता है जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, और यदि कोई व्यक्ति इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है। यदि इनको इस बात की जानकारी नहीं होती है तो उनका शासन प्रशासन कुकर्मी निंद्रा में है करता, तभी उनको ये मालूम होता है कि ये व्यक्ति ने अपना घर जो है या अपना प्रॉपर्टी इलीगल रूप से बनाया है। तो ये सवाल उनके कार्य प्रणाली को लेकर है। मैंने कई चैनलों पे इस चीज को सवाल उठाया कि बुलडोजर तभी जगती है जब उस खास व्यक्ति अपराध करता है। जी देखिए, सवाल देखिए, दो सवाल मैं बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर आपसे भी और दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ, उनका भी उसके मत जानना चाहता हूँ। भागलपुर और बनारस, बनारस से कौन चुन के आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री? बनारस में बनारस साड़ी जो है विश्व प्रसिद्ध है। अब बनारस साड़ी का जो इंडस्ट्री है बनारस में, उसकी स्थिति देख लीजिए आप। मैं दावे के साथ कहता हूँ न्यूज लॉन्चर की टीम को वहां जाना चाहिए। बनारस की साड़ी जो विश्व प्रसिद्ध है, वहां उस इंडस्ट्री का क्या हालात है, उनसे जुड़े हुए लोगों का क्या हालात है। उसी तरह भागलपुर के जो सिल्क के जो सिल्क से जो चीजें बनती है, खासकर सिल्क का जो चादर होता है, आप देखिए भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री का क्या क्या स्थिति है। अरे आपके पास एक से एक महत्वपूर्ण चीज है, रिसोर्सेज हैं, उसको उपयोग करने की जरूरत है। यदि आप उसको बेहतरीन ढंग से उपयोग करेंगे वहां से रोजगार क्रिएट होगा। हमारे यहाँ कितने शुगर मिल है, आप शुगर मिल को चालू करवा दीजिए ना, देखिए कितने कितने रोजगार वहां से क्रिएट होंगे। ऋषि जी, आपको जान के हैरत होगी कि इस देश में IT वर्कफोर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो है, रविशंकर बाबू थे ना मंत्री, रविशंकर बाबू मंत्री थे, वही आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। तकरीबन 45 लाख का वर्कफोर्स है भारत में, और उसका एक तिहाई माना जाता है कि 14-15 लाख बिहार का है। अगर बिहार पूर्वांचल की बात करें तो आधे से कम नहीं है 22-23 लाख से, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो। लेकिन IT हब कहाँ बना हुआ है?
बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, यही बने हुए हैं, चेन्नई। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एक आईटी हब, जो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, लैपटॉप पीठ पर लाद करके लोग चलते हैं और जाकर के ऑफिस में काम करते हैं छोटे से केबिन में, आप वो नहीं कर पाए। रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर थे, क्या नीतीश कुमार सरकार ने रविशंकर प्रसाद पर दबाव डाला? क्या रविशंकर प्रसाद बेटे अमेरिका में पढ़े? बस वहीं तक चिंता है। क्या बिहार में आईटी हब क्यों नहीं बना? सवाल है। यूपी में क्यों नहीं बना? बस यही चलेगा कि बस गर्मी में मई जून में शिमला बना देंगे, बस यही चलेगा कि बटेंगे तो कटेंगे, बस यही चलेगा कि जाति गिनो, कितना यादव, कितना कुर्मी, कितना राजपूत, कितना भूमिहार, कितना पासवान, यही चलेगा, कितना हिंदू, कितना मुसलमान, यही चलेगा क्या? अभिषेक जी, बहुत बड़ा है, सभी सरकारों को सवाल है कि आप कर क्या रहे? अभिषेक जी, अभिषेक जी, हमारे तमाम विधायकों का, हमारे तमाम मंत्रियों का, हमारे तमाम सांसदों का, हमारे तमाम बड़े नेताओं का एक आंकड़ा निकालिए, और मैं दावे के साथ करता हूँ 70-80% उनके बच्चे जो हैं बिहार से बाहर पढ़ते हैं। कोई डीपीएस में पढ़ते हैं, कोई कोई दून स्कूल में पढ़ता है, और किसी किसी के बच्चे भारत से बाहर पढ़ते हैं। पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कौन करता है जो इन लोगों को फर्श से अर्श पे पहुंचाता है, जो इन लोगों को गली के नेता से विधानसभा भेजता है? संघर्ष कौन करते हैं? आज चले जाइए ना हमारे मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में, चले जाइए, क्या स्थिति है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है एसकेएमसीएच, अपने आप में उत्तर बिहार का एम्स कहा जाता है, क्या स्थिति है? एक कान आप ठीक से दिखवा सकते हैं वहां? तो ये पैसा जो आता है कहां जाता है, किसके जेब में जाता है? आज झूलन छपरा चले जाइए, मुजफ्फरपुर के झूलन छपरा चले जाइए, डॉक्टर ऐसे लूट रहे हैं, अब मैं कहूंगा तो डॉक्टर लोग केस कर देंगे। अब चले जाइए ना, एक बोतल पानी चढ़ाना 10 बोतल चढ़ा देंगे आपको, आप क्योंकि मेडिकल फील्ड से अनभिज्ञ हैं भाई, डॉक्टर जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यही स्थिति शिक्षा, यही स्थिति एजुकेशन का है। एक से एक बड़े स्कूल है, नॉर्मल स्कूल, हम सरा से सरा स्कूल का फीस 2000 रुपया है, जो 10000 रुपया, इसी आंकड़ों को रिलेट करके मैं कह रहा हूँ, जो हमारे श्रमवीर भाई बाहर रहते हैं और उनकी भी इच्छा है कि उनका बेटा पब्लिक स्कूल में पढ़े, तो 10000 कमाने वाले, एक महीना में 10000 कमाने वाले जो श्रमवीर हैं, उनके बच्चे यदि सरे से सरे पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे तो 2000 फीस है भैया, खर्चा अलग छोड़ दीजिए। आपने अस्पताल की बात की, कुछ साल पहले की बात है, गोरखपुर में बच्चे चमकी बुखार, जो जापानी इंसेफ्लाइटिस थी, उससे पीड़ित थे, जाने जा रही थी बच्चों की, मासूम बच्चों की, सरकार इंतजाम नहीं कर पा रही थी ऑक्सीजन का और तमाम मेडिकल सुविधाओं का। एक डॉक्टर व्यक्तिगत कैपेसिटी, डॉक्टर कफील खान, याद होगा, क्या टॉर्चर झेलना पड़ा उस आदमी को, वो बच्चों की जान बचाने के लिए मेहनत कर रहा था वो डॉक्टर, आपको पता होगा पूरी घटना। ये हिंदुस्तान में देखिए भैया, ईमानदार लोगों को कौन पूछता? हरियाणा के उस आईएएस, जो आईएएस जो हुड्डा से लेके खट्टर तमाम मुख्यमंत्रियों से पंगा लिया, अपने कर्तव्य, अपने कर्तव्य बोध को, बोध को उन्होंने तमाम सरकारों को पढ़ाया, वो कहाँ है? खेमका साहब कहाँ है मालूम है? हम पत्रकारों को मालूम है खेमका साहब किस स्थिति में है, अमिताभ ठाकुर किस स्थिति में है? एक सरकार ने उनको कहा कि, एक सरकार ने उनको उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया, और दूसरी सरकार ने कहा कि ये तो आईपीएस बनने लायक ही नहीं है। कितने लोगों ने उनका हालचाल पूछा? आज खेमका कहाँ है? खेमका वो कहा जाता था कि ये बीजेपी का आदमी है, क्योंकि उन्होंने वो हुड्डा सरकार से सवाल किया, हुड्डा सरकार के गलत चीजों को मानने से इनकार कर दिया। वही स्थिति जो खट्टर के सामने, खट्टर सरकार के कार्यकाल में हुआ जी। ईमानदार लोगों को कौन पूछता है? ऋषि जी एक चीज बताइए, एक बेसिक चीज है, आप अमेरिका जाइए, जर्मनी जाइए, जापान जाइए, इंग्लैंड जाइए, जी कहीं भी जाइए विकसित देशों में, सबसे जो एक बात मैं एक बात और ऐड कर दूं, आपने तो उनका नाम सुना होगा संजीव चतुर्वेदी का जी, एम्स के शायद वो बड़े कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पदाधिकारी थे, जिनका टाइम्स मैगजीन में कवर पेज पे उनका फोटो छपा था उनके कामों को लेकर। क्या हुआ? बीजेपी की सरकार आते ही 2014 में क्या हुआ? सबसे पहले किसी को हटाया गया, किसको हटाया गया? संजीव चतुर्वेदी को हटाया गया क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली एम्स में इलीगल फंडिंग का ट्रांसफर हो रहा था, इलीगल ठेकेदारी दी जा रही थी, तमाम जो उगाही हो रहा था उस पर उन्होंने रोक लगा दिया था।
नहीं मैं एक बुनियादी सवाल, और जिस सुन लीजिए जिस अधिकारी का चर्चा विश्व पटल पे हो रहा था उसको आते ही ये ईमानदार सरकार ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? किसी पत्रकार ने सवाल उठाया क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम थोड़ा विषय पर फोकस करते हैं आज। मुद्दा ये है, आप देखिए आप कहीं विकसित देश में जाइए, अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी, एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि सबसे बड़ा फर्क मिलेगा कि वो कंट्री विकसित क्यों है, डेवलप्ड क्यों है। तो क्लास वन से क्लास ट्वेल्थ, पहली क्लास से बारहवीं क्लास तक की पढ़ाई को ही असली पढ़ाई माना जाता है। और यूपी बिहार के बारे में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ के 99% सरकारी शिक्षा क्लास वन से क्लास ट्वेल्थ तक की, उससे पढ़ करके कोई प्यून तक नहीं बन सकता, इस गताल खाते में जा चुकी है। उसके बाद की बात करें, प्राइवेट स्कूलों में 90% स्कूल ऐसे हैं जो अच्छी उचित शिक्षा न देकर के सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। ये बात सच्चाई है कि शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं। और यहाँ जाति गिनना, हिंदू मुसलमान करना, राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सवाल यह है कि स्कूल में तो कोई जाति धर्म भेद नहीं है, सरकारी अस्पताल में तो कोई जाति धर्म भेद नहीं है, वहां तो दुरुस्त कीजिए, पढ़ लिख जाएगा तो रोजगार खुदे कर लेगा। बाकी प्रशांत किशोर तो कह ही रहे हैं कि हम रोजगार जो है इंतजाम कर। अरे भैया, अरे आप हमें आप थोड़ा मैं ग्राउंड बता दूं, थोड़ा आप ये आंकड़े उकड़े आप बताने लगते हैं, हम ग्राउंड बता दूं। एक जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, उसमें देखिए बहुत बहुत डॉक्टर ईमानदार भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, पूरा समय देते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर। एक और बहुत से ऐसे डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर हैं जो हैं वो गवर्नमेंट डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, निजी प्राइवेट क्लिनिक चलाते नहीं है, बड़े बड़े हब हैं उनके, बड़े बड़े नेक्सस हैं उनके, हैं। या स्कूल माफिया देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज का माफिया देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज का माफिया देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डोनेशन का 1 करोड़ का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज। ये हमारे माननीय जो हमारे माननीय जो भगवान बैठे हैं, अपने आप को ब्रह्मा जी का अवतार बताते हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि बैंगलोर में इतने बड़े मठाधीश बैठे हैं जो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ एक मेडिकल सीट के MBBS सीट के लिए लेते हैं, नहीं मालूम है। आज मैं थोड़ा आपके विषय से एक चीज और जोड़ के बता दूं, जो आज गौ माता को लेकर, गायों को लेकर इतना हाई तोवा मचा रखा है बीजेपी ने, नायब सैनी ने परसों जो बयान दिया है बिल्कुल घटिया बयान है, वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। क्या ये नहीं मालूम है कि बूचर खाना जो टॉप वर्ल्ड का जो टॉप 5 बूचर खाना है जो कौन चला रहा है, उनसे चंदा कौन ले रहा है? तो ये कहने की बात है, इन सभी जो सियासतदान है चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनको सब मालूम है। और हम लोग भी ऐसे हैं, हमारे जब नेता वोट मांगने आते हैं हम लोग रोजगार की बात नहीं करते हैं, हम लोग ये बात नहीं करते हैं कि आप जब 5 साल सांसद विधायक थे कितने बार हमारे गली में आए, कितने बार हमारे सुख दुख में आप भागीदार बने। हम लोग तो जात पात धर्म के नाम पे वोट कर देते हैं। अब ऋषि जी एक बात इसमें जोड़ना चाहेंगे आपसे, क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति के बाद, चाहे यूपी की योगी सरकार हो, बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो, या जिन राज्यों में जहां जहां से इस तरह की स्थिति है, इन पार्टियों के नेताओं को अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच जाकर वोट मांगने का हक है? और क्या जनता अब लगता है कि सवाल पूछने वाले मोड में आ रही है सरकारों के सामने? आप क्या कर रहे हैं तो आप फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं तो 4-8 लेन बनवा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं तो खेत के बीच में पुल बनवा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं तो 4-4 हवाई अड्डे बनेंगे ताकि और जल्दी भागे लोग पलायन करके, ट्रेन से मन नहीं भर रहा है तो 4 और फ्लाईओवर हवाई अड्डे बनेंगे ताकि जिनको इंडिया से विदेश जाना है तुम भी भागो, जल्दी भागो, यहाँ हम दे पाने की स्थिति में नहीं है कुछ, भागने का रास्ता जरूर दे रहा है कि जल्दी भाग जाओ। देखिए अभिषेक जी हमारे अपने जितने जो नेता है, जो हमारे विधाता है, हमारे भगवान जो हम जिनको मानते हैं, उनसे तो कर निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो फॉर्मूला आम जनता को भी बता दीजिए, जो फॉर्मूला आप अपने विधायक सांसद मंत्रियों को देते हैं। विधायक बनने से पहले होते हैं लखपति, अब विधायक बनने के 5 साल के बाद हो जाते हैं खरबपति। तो वो फॉर्मूला हम रिपोर्ट रोहिणी सिंह ने प्रकाशित की थी, 50,000 से 2 साल में 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदल दिया था। अरे भैया वो सेक्रेटरी, अरे वो से आप देखिए वो नेता पुत्र इतने मेहनती हैं,
इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने वर्कहोलिक हैं कि बीसीसीआई सेक्रेटरी से बन गए, वो प्रेसिडेंट बन गए, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बन गए, आईसीसी वो फॉर्मूल, हाँ इंटरनेशनल प्रेसिडेंट। हम आप आईसीसी हमको नहीं बोलने आता, हम तो कम पढ़े लिखे पत्रकार है ना, कम लिखे मतलब तो वो इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल हो गए। तो मैं तो वही कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, लालू यादव जी से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी से, अमित शाह के लिए आदरणीय इसलिए लगाया, थोड़ा डर भी लगता है हमको, ईडी इनकम टैक्स भी है, थोड़ा मतलब रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो फॉर्मूला हम लोगों को भी बताएं। अरे भैया मैं साइकिल से चलता हूँ, मुझे भी कार पे चलने का इच्छा है, हम भी वो फॉर्मूला जानना चाहते हैं। अब शेख जी भी जाना चाहते हैं, अब शेख जी भी चाह रहे हैं कि वो ये ले लें, सियाज ले लें, लेकिन ले नहीं पा रहे, फॉर्मूला वो खोज रहे हैं, मिल नहीं पा रहा जी। कि विधायक बनने से पहले लखपति थे, अरे विधायक तो छोड़ दीजिए, मुखिया का हालत देखिए। अरे हमारे कल पड़ोस में एक फंक्शन था, और हमारे लिए लोग कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार हैं, तमाम न्यूज चैनलों में आते हैं, लेकिन हमारा हाल चाल कोई पूछा नहीं, लेकिन एक मुखिया आया तो सभी लोग घेर के खड़े थे जी। मुखिया जी आ गए, मुखिया जी आ गए, क्योंकि मुखिया जी, मैं 2 सेकंड जनता को हकीकत बता रहा हूँ, मुखिया जी हजारपति से अब करोड़पति हो गए हैं, विधायक जी जो कभी टूटे फूटे, मुजफ्फरपुर के एक नेता है, नाम नहीं लूंगा, उनके बारे में दूसरे नेता बता रहे थे कि इनकी इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि आगे का जो मोटर साइकिल का मोटर गार्ड होता वो टूटा हुआ होता, तो उन्होंने एक बार कहा कि भैया मोटर गार्ड क्यों नहीं लगवा लेते हो। आज वो विधायक जी जो है, अच्छा ऋषि जी आप सब चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं, ऋषि जी आप सब आलोचना कर रहे हैं, अगर वो मुखिया विधायक या जिला परिषद या कुछ नहीं बनते, वो भी पलायन कर जाते इन 3 करोड़ लोगों में, वो भी अपना नाम लिखवा लेते, वो भी पलायन कर जाते। मैं 2 सेकंड और लूंगा बस, उसके बाद आप जो कहिएगा वही मैं आपको सवाल आएगा। और दूसरे एक नेता हरे राम सिंह भी है मुजफ्फरपुर में, उनके उनके अपने अपने परिवार के लोग गाली देते हैं कि ये इनकी ईमानदारी के कारण हम लोग बर्बाद हो गए, इनकी ईमानदारी के कारण हम लोग बर्बाद हो गए। 8800 के करीब पंचायत है, 6000 नगर पंचायत में म्यूनिसपैलिटी में सीटें हैं, अगर ये लोग पलायन कर जाते तो ये आंकड़े जो 3 करोड़ के हैं इनमें कुछ और जुड़ जाते, पैक्स वाले लोग पलायन कर जाते अगर, तो पलायन रोक के रखा है। अरे आपसे एक जी, आप विद्वान आदमी है, कई ऐसे नेता पलायन कर गए, पैसा वहां बना लिए, दरबार में उन्होंने मोटा रकम पेश कर दिया, और आज विधान परिषद में सीतामढ़ी के एक है, नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे नेता है सीतामढ़ी में, नहीं है नहीं, अभी वो लोकसभा नहीं बन पाए बेचारे, प्रयास में थे, वो होंगे जिसका आप कह रहे हैं उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, एक बेचारे हैं कप प्लेट बनाते हैं सीतामढ़ी, वहां दिल्ली में प्लान किए थे तब ना कप प्लेट बनाए होंगे, और पैसा आ गया दे दिए थे, एमएलसी बना दिया। चलिए आगे, चलिए आगे सवाल। अगला सवाल मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि जब इतना ज्यादा पलायन है, मैंने तो देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाहर से बस भर भर के मजदूर वोटिंग, बस से भर के कहां कहां से मजदूर लाए जा रहे थे अपने अपने गांव तक कि उनका वोट डलवाना है, वोट डलवाने के लिए बड़ी चिंता थी कि लोग खर्चा भी दे रहे हैं कि आओ वोट डालना है, हिंदू बचाना है, नहीं तो हिंदू पर भारी खतरा आ जाएगा। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर एक बात कह रहे हैं कि 2025 के चुनाव में जो लोग जो भी 2025 के नवंबर में छठ के समय चुनाव निर्धारित है, जो नियत वक्त है, पहले हो जाए तो अलग बात है, उसमें जो लोग घर आएंगे उनको वापस नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए, ये बात वो बिहार में उनको काम मिल जाएगा, इतना बड़ा दावा प्रशांत किशोर कर रहा है। सवाल ये कि जब वो मैजिक बुलेट प्रशांत किशोर के पास है, वो तो नरेंद्र मोदी के भी साथ रहे, वो तो नीतीश कुमार के भी साथ रहे, तो जब दोनों के साथ रहे तो उनकी सलाह मान करके ही यूपी बिहार का पलायन क्यों नहीं रोक लिया गया? आपके कई सवाल हैं, मैं बारी बारी से जवाब देता हूँ। कोई धर्म खतरा में नहीं है, ना हिंदू धर्म खतरा में है, ना मुस्लिम धर्म खतरा में, इनकी दुकानदारी खतरे में, आप बटोगे नहीं, जब तक आप बटोगे नहीं इनकी दुकानदारी नहीं चल पाएगी, आप बट जाओगे, हिंदू मुसलमान बट जाओगे, अरे सुन तो लीजिए ना, हिंदू मुसलमान तो उनकी भी दुकानदारी चल रही है ना, तो उनकी भी दुकानदारी चल रही है, सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय आप बताइए ना चिराग, अरे भैया आप सुनते नहीं है, यही दिक्कत है, चिराग पासवान सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कितने पासवानों को टिकट दिया आप बता दीजिए ना हमको, आप बता दीजिए कितने पासवानों को टिकट दिया है,
जो गरीब गरीब पासवान है, जो तारी उतारते हो, जो झोपड़ी में रहते हो, कितने जिला अध्यक्ष उन्होंने बनाया जो झोपड़ी में रहते हो, तो कोई धर्म कोई जात खतरे में नहीं है, इनकी दुकानदारी खतरे में है। जब आप बटेंगे नहीं, इनकी दुकानदारी चलेगी नहीं। ऋषि जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया। मैं एक छोटी घटना बताता हूँ, सुन करके आपको बड़ा अजीब लगेगा। मैं गया था लुधियाना, 2 साल पहले की बात है, और मेरे घर के बगल में एक पासवान टोला है कुछ दूर पर। लुधियाना में मतलब मैं जिनको नहीं पहचान पा रहा था, लुधियाना में वहां पर मुझे अपने गांव के मजदूर एक नहीं चार पांच मिल गए, एक ही बस्ती के सब कहने लगे अपनी भोजपुरी जो मादरी जबान है हम लोगों की, कि भैया कहाँ घूमत तनी, चली चली हमरा यहाँ चली आज हमरा यहाँ खाना खाई तो हई मुर्गा ले आओ तनी, तो हई ले आओ तनी मुर्गा खाई ले रुआ बड़ा बढ़िया मुर्गा मछली खाई ले, यहाँ मुर्गा बढ़िया मिल, सब बात ये कहने लगे। कहा कितना सैलरी मिलता है, तो बोला कि यहाँ है काम करते हैं 6,000 रुपया मिलता है, 3,000 खर्चा हो जाता है, 3,000 घर भेजते हैं। सोचिए गांव का स्नेह, अपने लोगों का स्नेह ऐसा है कि जो 3,000 रुपए में अपनी जिंदगी काटता है वो मुर्गा खिलाने के लिए तैयार था। और सोचिए वो पासवान समाज के लोग थे, मैं आपको बता रहा हूँ पासवान समाज के लोग थे, और सोचिए 6,000 रुपए की कमाने के लिए वो पलायन करके लुधियाना गए हुए थे, और वहां से घर पैसे भेजते, जनरल बोगी में लगा के जाते हैं, जनरल बोगी में ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर होता है, इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक हो गया है सब, तो ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर होता है, जगह नहीं मिलती है, ट्रेन के छत पर चढ़ के आते हैं। यही इनका है पासवान समाज के प्रति। देखिए मैं उसी पे आ रहा था, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन नेता हो तो डॉक्टर करीमलाल मीना की तरह, उन्होंने बोल्डली कहा है कि जबकि मीना समाज का सबसे बड़ा नेता है राजस्थान का, उन्होंने कहा है सब कोटा होनी चाहिए, क्रीमिलियर होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ क्रीमिलियर? उन्होंने कहा कि हमारे बगल में हमारा मित्र है, वो भी मीना है, आज ही मजदूरी कर रहा है, उनका बेटा भी मजदूरी कर रहा है, हम डॉक्टर बन गए, MBBS पास किए, नेता बने, मंत्री बने, मेरा भाई IAS अधिकारी है, हमको कौन सी जरूरत है, हमको क्रीमिलियर की कौन सी जरूरत है, कौन हमारे साथ सामाजिक भेदभाव हो रहा है। तो नेता तो ऐसा होना चाहिए, है हिम्मत करीमलाल मीना जैसा किसी नेता का, है हिम्मत चिराग पासवान का कि बोले कि व्यक्तिगत रूप से हमें क्रीमिलियर की जरूरत नहीं है, व्यक्तिगत रूप से हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, और अगले बार विदाउट रिजर्वेशन वाले सीट पर चुनाव लड़ेंगे, है हिम्मत जीता राम जी का जी। नहीं है, जब वो ये चाहते हैं कि आप बटे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, ताकि आप रोजगार पे सवाल ना करें, ताकि आप शिक्षा पे सवाल ना करें, ताकि आप स्वास्थ्य पे सवाल ना करें। फाइनल क्वेश्चन जी, सामाजिक न्याय पे धर्म पे बटते रहिए, सीधा जवाब, नरेंद्र मोदी सरकार का आंकड़ा है, मोदी सरकार का आंकड़ा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ की सरकार की क्या इन्होंने काम किया है, इनका काम बोलता है या कारनामा बोलता है, उसकी सारी तस्वीर लोगों के सामने ला करके रख दी है। अब आपको क्या लगता है, इन दोनों राज्यों की जनता इन राज्य सरकारों से अपनी हकीकत को देखकर कि उसकी अपनी क्या स्थिति है, वो किस तरह से मजदूर बन रहा है, 10,000-12,000 के लिए बाहर पलायन कर रहा है, क्या वो जनता इन सरकारों को बनाए रखने में दिलचस्पी लेगी? देखिए दो बातें, दो देखिए आप शेख जी, दो बातें थोड़ा समय दीजिएगा हमको जी। पूर्व में इतिहास रहा है कि काम करने वाले नेताओं को इसी जनता ने चुनाव में हरवाया है, तो ये नेता जानते हैं कि काम करने से कोई नेता बनता नहीं है, कोई विधानसभा लोकसभा जाता नहीं है। मैं एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल श्री बाबू का और महेश बाबू का दूंगा। श्री बाबू ऐसे नेता थे कि उनके गाँव के लोगों ने कहा कि यदि मेरे गाँव में ट्रेन नहीं रुकेगा तो हम लोग लेंगे, ट्रेन के आगे कट जाएंगे, कट गया लेकिन नहीं माने। वो है नेता, है नेता कोई अभी बताइए? महेश बाबू मुजफ्फरपुर के लिए क्या नहीं किए, जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर के क्या नहीं किए, क्या हुआ जमानत जब्त हुआ, रघुनाथ पांडे ने भूमिहारों के लिए क्या नहीं किया, मुजफ्फरपुर के लिए क्या नहीं किया, और आई में जमानत जब्त हो गया। तो हमारे नेता जानते हैं कि काम करने से नहीं चुनावी लड़ाई में फायदा मिलेगा, चुनावी राजनीति में फायदा मिलेगा, इनको बांटो, इनको धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे। लेकिन मैं नीतीश कुमार को कहता हूं, नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं, जब आप आए सत्ता में तो लोगों का आपसे काफी उम्मीद था और आपने कुछ हद तक काम भी किया, लेकिन रोजगार के मामले में यदि आप काम किए होते तो मुझे नहीं, मुझे 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 ये कहने में फक्र होता कि हिंदुस्तान में आपसे बड़ा कोई नेता शायद कोई नेता होता,
यदि रोजगार के मसले पे आप यदि 19 साल सत्ता में रहे और रोजगार का आंकड़ा इस प्रकार का है कि 3 करोड़ करीब 3 करोड़ रजिस्टर्ड आंकड़ा ये बता रहा है कि 3 करोड़ जो बिहारी हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए शर्म की बात है। 10 करोड़ यूपी के लोग। खैर ऋषि जी, बिल्कुल आपने आज आंख खोल देने वाली बात की, और जिस प्रकार के आंकड़े आए हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी पार्टी और गठबंधन की सरकारों की पोल खोली है, उससे साफ जाहिर होता है कि इन दोनों राज्यों की सरकारों को आज की तारीख में आत्मनिरीक्षण का समय है कि उन्होंने किसी ने 7-8 साल से तो किसी ने 18-19 साल से क्या समय को भी जाया किया है। ये बेहद चौंकाने वाली खबर, और इस खबर के बाद सियासत पर कितना असर पड़ेगा या सियासत यूं ही अपनी चाल से चलती रहेगी ये देखा जाना है। लेकिन चलिए, आज के गोदी मीडिया के दौर में किधर सरकार गिरी, किधर सरकार बनी, कौन किसके साथ जाकर मिल गया, कहां ऑपरेशन लोटस हो गया, कौन कह रहा है बचेंगे तो कटेंगे, कौन कह रहा है मियां, कौन कह रहा है हिंदू, कौन कह रहा है जय श्री राम, कौन कह रहा है जाति गिनो, कौन कह रहा है उप जाति गिनो, कौन कह रहा है कि ये करो वो करो, लोगों को मूर्ख बनाने के तमाम काम करो, इन सब से ऊपर उठकर आज की तारीख में जनता को जनता बनकर सोचना होगा। ये इन आंकड़ों की सबसे बड़ी हकीकत है। राजनीतिक दुकानदारों की दुकान के ग्राहक बनने की बजाय खुद अपनी दुकान का ग्राहक इन पार्टियों के नेताओं को जनता को बनाना होगा कि जनता अपनी दुकान का ग्राहक किन्हें बनाए। देखते हैं कब बनाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अंततः लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों की मुफलिसी के सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन कर और उनकी गरीबी पर घड़ियाली हुए आंसू बहाकर जाति और धर्म के नाम पर बांटकर वोट लेने का माध्यम हो गया है। ऋषि जी, आज आपने तमाम तथ्यों के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे दर्शकों के सामने एक स्याह हकीकत को सामने रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।